विरोध में किसानों के आज आंदोलन का 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और आज संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था कि दिल्ली के बाहरी इलाके में जो दो एक्सप्रेसवे है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको 24 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। लेकिन पलवल के किसान आज इस आंदोलन में सांकेतिक तौर पर भाग ले रहे हैं, ना कि बंद कराकर। पलवल के किसानों का कहना है कि चूंकि ये कृषि प्रधान इलाका और बहुत सारे जो किसान अभी तक तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, आज किसी कार्यों की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और हालांकि उनका जो समर्थन है वो सांकेतिक तौर पर है, और इसीलिए इस चौक से जो मेरे दाहिने तरफ जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाती है, जो कि सीधे पलवल से मानेसर होते हुए कोंडली तक जाती है, और मेरे दूसरी तरफ जो सड़क है जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, ये पलवल से कोंडली, गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा होते हुए जाती है। इन सड़कों पे आवागमन तो फिलहाल चल रहा, लेकिन आगे ऐसे कई जगहों पर सड़कों को रोका गया है, और इस 24 घंटे के जो बंद को सफल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि 4.5 महीने का लगातार वक्त होना और किसानों के लिए जब फसलों के कटाई का वक्त हो, इसमें बड़ी चुनौती होती है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे रहना और उनको इकट्ठा करके रहना। बावजूद इनके किसानों का ये मानना है कि आने वाले वक्त में जो भी कार्यक्रम होंगे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कृषि कानूनों का विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं ले लेती। अपने कैमरे से कमाल जहांगीर के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 पलवल।